क्वेश्चन नंबर 18, फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x⁵। तो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट व्हिच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो कौन कौन से पॉइंट से टेंजेंट जो है ओरिजिन से पास करेगा फाइंड करना है। तो लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट इक्वल टू x₁ y₁। तो y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4x³ माइनस 2x₅। तो अगर हम इसमें x₁ y₁ पुट करते हैं तो y₁ इक्वल टू हो जाएगा 4x₁³ माइनस 2x₁ ⁵। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब जो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, अगर हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x₂ ⁵, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy/dx इक्वल टू 12x² माइनस 10x⁴। तो dy/dx एट x₁ y₁ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर x₁ पुट कर देंगे, x₁² माइनस 10x₁⁴। तो स्लोप आ चुका है, अब लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x₁ y₁ y माइनस y₁ dy/dx x माइनस x₁। यहाँ पर y और x दोनों 0-0 हो जाएगा क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है। तो 0 माइनस y₁, स्लोप आया हुआ है 12x₁² माइनस 10x₁⁴। फिर हो जाएगा 0 माइनस x₁। तो माइनस y₁ इक्वल टू 12x₁² माइनस 10x₁⁴ इंटू माइनस x₁। दोनों तरफ माइनस कट जाएगा। अब इसमें y₁ का इक्वेशन आया 12x₁³ माइनस 10x₁⁵। अब दो इक्वेशन आ गया है, पहला इक्वेशन शुरू में बना लिए थे, दोनों इक्वेशन का कंपेयर करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, 12x₁³ माइनस 10x₁⁵ इक्वल टू 4x₁³ माइनस 2x₁⁵। तो इस क्यूब को इधर लेके आ जाते हैं, 12x₁³ माइनस 4x₁³ माइनस 2x₁⁵ प्लस 10x₁⁵। यहाँ पर माइनस करने से आ जाएगा 8x₁³ और ये आ जाएगा 8x₁⁵। अब इसको इधर लेके आ जाते हैं या इसको उधर ले जाते हैं, एक ही बात है, x₁⁵ माइनस 8x₁³ इक्वल टू 0 हो जाएगा। 8x₁³ कॉमन है तो यहाँ पर x₁² माइनस 1 बचा, देयरफॉर 8x₁³ इक्वल टू 0। यहाँ पर x₁ का वैल्यू आ गया 0 और इसमें x₁² इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो x₁ इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1। ठीक है, अब x₁ का वैल्यू को हमको पुट करके y₁ का निकालना है, इसमें पुट कर देंगे when x₁ इक्वल टू 0। अगर x₁ 0 है तो y₁ क्या होगा, y₁ इक्वल टू हो जाएगा x₁⁵। इसमें 0 पुट कर देते, इसी में पुट कर देते 0, तो इसमें y₁ का वैल्यू आ गया 0।
when x1 equal to 1, y1 equal to हो जाएगा 4 माइनस 2, इसमें अगर 1 1 पुट करेंगे तो चलो 1 होल क्यूब माइनस 2 1 स्क्वायर, तो इसमें आ गया 4 माइनस 2 2। और व्हेन x इक्वल टू x1 इक्वल टू माइनस 1 तब y1 आ जाएगा 4 इंटू माइनस 1 होल क्यूब 2 इंटू माइनस 1 स्क्वायर, यहाँ माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर 5 है, 5 लिखेंगे, 5 रहने से भी माइनस में आएगा आंसर, से प्लस हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 आ जाएगा। तो इस तरह से पॉइंट मिल गया हमको, x1 जब 0 था तो y1 का भी 0 आया, x1 जब 1 था तो y1 का 2 आया, और x1 जब माइनस 1 था तो इसका माइनस 2 आया।